ये फोन जो है ना अभी मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। हाँ, जो कि डिजाइन तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये रेनबो कलर रिफ्लेक्ट बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन कंपनी काफी सारे चीजें इसके बारे में छुपा रही है जो कि हाईलाइट अभी तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके बारे में सब। प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ चीज अच्छे हैं और कुछ चीज बुरे भी हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी समय आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A15 का सील ओपन करने का। तो चलिए सबसे पहले इसे इस फोन को अनबॉक्स करते हैं, इस डब्बे को अनबॉक्स करते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। और एक चीज मैं आपको बता दूं ना, प्राइस के अकॉर्डिंग इसका कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़िया है, डिजाइन बढ़िया है, बैटरी बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि एकदम बेकार हैं, जिसे अभी तक हाईलाइट कहीं नहीं किया गया है, लेकिन सब कुछ अभी ऑनेस्ट अनबॉक्स करने वाला है वीडियो में, तो बने रहिए इन तक। तो सबसे पहले इस फोन को सील ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या भाई, डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, टूटा हुआ सील को एक्सेप्ट नहीं करना है। चलो इसे यहाँ पे से, अब सेम चीज साइड, सेकेंड साइड भी है, इधर भी है, इधर भी ये, ओ भाई साहब कबड़ गया, हो गया। अब इस तरह से इसे ऐसे निकाल लेते हैं। ओ वाह क्या मस्त है भाई, डब्बा तो काफी मस्त था, और इसमें निकालने के बाद कुछ चीज इसमें आ गया और कुछ चीज इसमें आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सैमसंग का ब्रांडिंग अंदर कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे निकालते हैं और ये डब्बा है खाली। अब यहाँ पे सैमसंग का ब्रांडिंग के साथ ये कुछ डब्बा है और फोन इसमें नहीं है। उसके अलावा बैक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं जो पिन है, सिम इजेक्टर जिसे बोलते हैं, और इसका यूज कहाँ पे होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके इस बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पे कुछ सैमसंग का यूजर मैनुअल, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अंदर जा रहा है यार, निकलना ये चाहता नहीं। यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी पोर्ट केबल मिल जाता है, ये यूजर मैनुअल, और कुछ है भाई इसमें बस। इस फोन में केबल तो दे रहा है लेकिन एडेप्टर नहीं दे रहा है, चार्ज कैसे करेंगे फोन को। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस फोन का चार्जर जो एडेप्टर है ना, वो 300 रुपए में स्टार्टिंग में मिल रहा था, लेकिन अभी 300 रुपए में नहीं मिल रहे हैं, अभी टोटल आपको 1700 रुपए एक्स्ट्रा और पे करने होंगे इस फोन का जो भी प्राइस होगा ना उसके अलावा। सबसे पहला इशू ये हो गया भाई, एडेप्टर भी दे ही देना चाहिए था, 1700 रुपए अलग से लगाने पड़ेंगे यार। इसके अलावा इसमें अपना रहा मेन फोन, बाकी ये रहा अपना फोन, और इसे हम लोग इधर से निकालते हैं, कैसा फील देने वाला है भाई, ये ऐसे हो गया। तो चलिए इधर से इसे कबाड़ते हैं फटाक से, और यहाँ पे वाव क्या मस्त जबरदस्त भाई फील देने वाला है ये फोन, देख सकते हैं क्या मजा आ रहा है देखने में। डिजाइन तो बहुत बढ़िया है भाई, जो कि ये बैक में लग रहा है कि ग्लास है, लेकिन ग्लास नहीं है, प्लास्टिक ये बना हुआ है। बैक साइड जो इसका है प्लास्टिक है, इसका फ्रेम भी प्लास्टिक ही है, फ्रंट में ग्लास आपको मिलता है। चलिए इस फोन के बारे में आप सब कुछ जानते हैं हम लोग, उससे पहले ये सबको साइड में रखते हैं। बैक साइड में यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिल जाता है, और प्लास्टिक जो है ना आवाज कर रहा है यार, लेकिन लगता ये नहीं है कि प्लास्टिक है, यहाँ पे लगता है कि ये ग्लास है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो रेनबो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कलर रेनबो सा ये फील हो रहा है, और वही जो सैमसंग का अपना ब्रांडिंग डिजाइन कैमरा मॉड्यूल, ट्रिपल सेटअप कैमरा यहाँ पे मिल जाते हैं, और कैमरा तो बहुत बढ़िया है भाई। उसके साथ यहाँ पे छोटा सा LED लाइट, छोटू सा है ना, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा भाई इसका फोन जो मोटा काफी ज्यादा, थिकनेस बहुत ज्यादा है, जो कि 9.3 mm का थिकनेस है, लेकिन कोई नहीं 9.3 mm का थिकनेस है ना, लेकिन बैटरी इसमें काफी ज्यादा, बैटरी नहीं उसे बैटरा बोलेंगे हम लोग, है ना, बैकअप बहुत बढ़िया देता है भाई, लेकिन चार्ज थोड़े होने में टाइम लगाएगा। कितने एमएच का बैटरी मिलते हैं वो जानेंगे, बस रुको जरा सबर करो। अब यहाँ पे देख ले तो नीचे की ओर यहाँ पे मिल जाता है USB टाइप सी पोर्ट 2.2 पे बेस्ट है यार, केबल मिल जाता है, वैसे हम लोग को केबल यहाँ पे बॉक्स में भी दिया था। इसके अलावा यहाँ पे ईयरफोन जैक दे दिया, इसमें काफी सारे अभी फोन जितने भी आ रहे हैं नया ना उसमें ईयरफोन जैक नहीं मिलते हैं, और इसके अलावा माइक इधर मिलता है, इधर आपको IR ब्लास्ट है, कुछ सेंसर वगैरह, हाँ सेंसर इसमें सारे मिल जाते हैं, कुछ कुछ सेंसर जो कि NFC वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात डिस्प्ले पे वो बताएंगे, क्योंकि विजिबल उतना बढ़िया डिस्प्ले मतलब वीडियो के लिए नहीं है, HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। इधर आपको सिम स्लॉट मिल जाता है, जिसे निकालने के लिए सिम इजेक्टर फोन में ही दिया जाता है। बस डिजाइन तो बहुत बढ़िया है, लुक बहुत बढ़िया देता है। हाँ एक चीज है, इसमें 5G कनेक्टिविटी है ना, उससे पहले इस फोन को हम लोग ऑन कर लेते हैं और इसका जो भी इंस्टॉलेशन है उसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोन ये ऑन हो चुका है, और अब देखते हैं यहाँ पे गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी भाई क्या मस्त फोन, तो हाथ में लेने के बाद प्रीमियम फील हो रहा है। फ्रंट जो है ना और बैक मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्लास्टिक है, ग्लास सा फील हो रहा है, और रेनबो कलर सा ये भाई क्या मजा आ रहा है। यहाँ पे पावर्ड बाई एंड्रॉइड, तो ये एंड्रॉइड ये ऑन होने देते हैं, इसका इंस्टॉलेशन जो भी होगा छोटा मोटा उसे एक्टिवेट करके फोन को यूज करके देखेंगे।
हो चुका है अपना इंस्टॉलेशन सारे कंप्लीट। अब ये फोन ओपन हो जाएगा, इसके बाद फोन को यूज करेंगे और देखेंगे कैसा परफॉर्म कर रहा है ये फोन। हाँ, उससे पहले मैं आपको इसके डिस्प्ले वगैरह के बारे में जितने भी स्पेसिफिकेशन फीचर्स देते हैं वो सब जानेंगे। वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। तो फाइनली अपना फोन जो है इंस्टॉल हो चुका है और फोन ओपन हो चुका है। बैक साइड का डिजाइन देख लिए, फ्रंट भी हम लोग देख ही लेते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये। तो सबसे पहले इस फोन का डिस्प्ले की बात कर लें तो डिस्प्ले जो कि 5 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। ये कॉम्पैक्ट फील होता है, ज्यादा छोटा डिस्प्ले नहीं है। मतलब कि फोन का साइज जो है ना, हाथ में लेने के बाद ऐसे कुछ अच्छा मतलब मजा आता है। मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये फोन थोड़ा ज्यादा बड़ा है या फिर छोटा है, नहीं, कॉम्पैक्ट फील होता है। उसके अलावा इसका फोन का ये जो है ना थोड़ा चौड़ा भी है फोन, सो बहुत बढ़िया है। डिस्प्ले हम लोग को जो कि 6.5 इंचेस का मिलता है ना, यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले ये है। मतलब कि कोई भी वीडियो जो अगर देखते हैं ना तो सुपर एमोलेड फ्लेक्सिबल लेवल के फोन में देते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है ये पहला फोन है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता है। लेकिन बुरी बात क्या है पता है, यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का ही स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यार ये थोड़ा सा 120 हर्ट्ज देता ना मजा आ जाता है। HDR का भी ये सपोर्ट नहीं देता है डिस्प्ले पे, 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। तो अगर चेक कर ले कि कैसा परफॉर्म कर रहा है तो काफी सारे एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। कैमरा को भी ओपन कर लो भाई, यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन ओपन हो गए। 90 हर्ट्ज है लेकिन ऐसा इशू नहीं हो रहा है कि लैग वगैरह हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 90 हर्ट्ज वाला फील आ रहा है। 120 जैसा देता है ना फिर सेम वैसा ही लग रहा है, देख सकते हैं क्या मस्त ये स्मूथनेस आ रहा है। विजिबिलिटी की बात कर ले, अगर पीक ब्राइटनेस देख लेना तो पीक ब्राइटनेस जो कि 800 निट्स का पीक ब्राइटनेस है HBM, ठीक है, तो यहाँ पे वो कोई नहीं है। यहाँ पे देख ले कि विजिबिलिटी तो पूरी डाउन करने के बाद पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। अभी मैं हूँ जो यहाँ पे रूम में, ठीक है, और रूम में यहाँ पे ज्यादा लाइट नॉर्मल है, वैसे ज्यादा नहीं। जो विजिबिलिटी इसका है पूरी तरह से कम करने के बाद डिस्प्ले पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, देख सकते हैं अंधेरी पूरी तरह से हो गया है। इसे इंक्रीज करने के लिए भी दिख नहीं रहा है। अब अगर इंक्रीज करें यहाँ से ना तो इंक्रीज विजिबिलिटी ठीक ठाक मतलब पूरा करने के बाद ठीक दिख रहा है। धूप में अगर फोन को चलाएंगे ना तो विजिबिलिटी में इशू नहीं होने वाला, डिस्प्ले पे दिखेगा, ऐसा इशू नहीं होने वाला है। अगर डार्क मोड करके देख ले यहाँ पे इस फोन में, डार्क मोड किधर से है, डार्क मोड यहाँ पे अगर कर ले, डार्क मोड में भी ठीक ठाक है, मतलब सेम है वैसा इशू। बस एस्पेक्ट्स में हम लोग को लग रहा है कि कम है, लेकिन HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वीडियो का HDR कंटेंट वगैरह देखते हैं ना तो उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। बाकी अगर इस फोन का अब देख लें इसमें प्रोसेसर जो कि भाई MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं, सैमसंग के जो भी फोन होते हैं उसमें Exynos भी आता है, लेकिन इस फोन में Exynos का सपोर्ट नहीं मिलता है, Exynos का प्रोसेसर नहीं लगा हुआ है, जो कि MediaTek Dimensity 6100 Plus का प्रोसेसर मिल जाता है 6 nm पे। ये फोन 3 lakh का अंतुतु स्कोर किया है, नॉर्मल है भाई, कोई फ्लेक्सिबल प्रोसेसर नहीं है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। उसके अलावा LPDDR4X का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है UFS 2.2 पे स्टोरेज टाइप पे। कम से कम इसको इंक्रीज कर देना चाहिए, ये भी एक यार मतलब इससे थोड़ा इंक्रीज कर देता ना तो मजा आ जाता। हाँ, इस यहाँ पे बैटरी बैकअप वगैरह भी थोड़े इंक्रीज होता है। हाँ, बैटरी तो वैसे अभी भी बैकअप अच्छा खासा देगा, लेकिन इसे अगर UFS 3.1 पे बेस्ट होता या फिर 3.2 या फिर 0 पे भी रहता ना तो भी बहुत बढ़िया रहता। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फोन जो है ना गेम प्ले वगैरह के लिए नॉर्मल सेटिंग्स पे अगर गेम प्ले करें तो अच्छा खासा चलेगा, बाकी वैसे फ्लैक्सिप फुली गेमिंग प्रोसेसर नहीं है इस फोन। अब अगर इस फोन की बैटरी जान ले भाई तो बैटरी बैकअप कितना देने वाला है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि फोन काफी मोटा है, इसके साथ साथ इस फोन में बैटरी नहीं बैटरा लगा हुआ है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है जो कि 6000 mAh की बैटरी तो बैकअप तो अच्छा खासा देगा, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या यूज कर रहे हैं। वैसे कोई इशू नहीं है, आप पूरा दिन भी फोन को यूज करेंगे ना तो भी कोई इशू होने वाला नहीं। 6000 mAh की बैटरी दिया हुआ है तो बैकअप अच्छा खासा देगा, लेकिन फोन चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। टाइम क्या लगाएगा, इसलिए क्योंकि इस फोन में एडाप्टर तो दिया नहीं है, लेकिन ये एडाप्टर नहीं दिया है ना, उसके अलावा यहाँ पे इस फोन का जो चार्जिंग सपोर्ट है 25W का चार्जिंग सपोर्ट है, 25W का चार्जिंग सपोर्ट है, सो चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगाएगा यह फोन। इसके अलावा इस फोन के सॉफ्टवेयर देख ले, सॉफ्टवेयर भी जो कि UI 1 मिलता है, जो कि सैमसंग का ऑफिशियल UI 1 वर्जन 6.1 मिलता है जो कि फुली लेटेस्ट है, एंड्रॉइड वर्जन 14 पे बेस्ट है। इसके साथ मेन जो इसका है 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है इस फोन में, इसके साथ पूरे 5 साल का मिल जाता है इसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट। सो सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, आप यूज किए होंगे तो इसका देखे ही होंगे कैसा UI वगैरह रहता है। और बाकी इस फोन में अगर देख ले कुछ वैसा अनवांटेड एप्लीकेशन तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं स्नैपचैट वगैरह, ट्रू कॉलर वगैरह, फोन पे, अमेजोन, ये सब मिल जाते हैं। बाकी वैसे हॉट गेम, हॉट एप्लीकेशन वगैरह कुछ वैसा नहीं है। हाँ, तो UI भी ठीक ठाक है, 1 UI सैमसंग का अच्छा खासा काफी पुराना UI है और चल रहा है, फुली लेटेस्ट UI इसमें मिल जाता है। अब अगर मैं
जो कि सब लोग का टारगेट है इस फोन का कैमरा, कैमरा क्वालिटी कैसा देने वाला ये फोन। तो जैसा कि बैक साइड में आप देख सकते हैं तीन कैमरा मिल जाते हैं, ट्रिपल सेटअप कैमरा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस फोन में ट्रिपल सेटअप जो कैमरा है ना, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि वही हमेशा की तरह डिजाइन तो देख ही लिए हैं सारे फोन में आ रहे हैं अभी लेटेस्ट ऐसा ही। सो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, वहीं 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और थर्ड जो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है। अब अगर यहाँ पे देख लें हम लोग इस फोन का कैमरा टेस्ट कर लेते हैं 50 मेगापिक्सल का कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका डेडिकेटेड एक देखेंगे वीडियो हम लोग जो कि कैमरा टेस्ट वगैरह करेंगे। आपका कमेंट रहा तो अगर इस फोन का डेडिकेटेड चाहिए कैमरा टेस्टिंग वीडियो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। बाकी यहाँ पे कैमरा में देखो तो काफी सारे मिल जाते हैं, जो कि फोन का कंटिन्यू कर देते हैं भाई, ये फोन का पोर्ट्रेट मिल जाता है, फोटो मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, मोर का ऑप्शन मिल जाता है, मोर में भी काफी सारे हैं, तो प्रो का पैरोग्राम फूड है, मतलब काफी सारे फीचर्स हैं। जो बैक साइड में हमारा दरवाजा है वो थोड़ा सा मतलब नेचुरल दिख रहा है। अब अगर इस फोन में देख लें यहाँ पे तो यहाँ पे भी काफी सारे फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पे 12 मेगापिक्सल से वीडियो शूट कर पाएंगे, इसके अलावा 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो थोड़ा सा पुराना डिजाइन में मिल जाता है, पुराना डिजाइन जो कि डॉट वाला अभी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यार वो जो पंच होल वाला आता है ना वो वाला फील आ रहा है। सो थोड़ा बड़ा ही यहाँ पे नोच दिया हुआ है। तो 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिल जाता है, सेल्फी कैमरा देख लें तो यहाँ पे सेल्फी ले लिए और यहाँ पे देखे तो नेचुरल फोटो आ रहा है, हाँ ठीक ठाक है सेल्फी कैमरा। बाकी ये फोन काफी जबरदस्त लग रहा है, डिजाइन काफी मस्त है, इसका UI वगैरह भी देख लिए। आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, इससे रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन हो वीडियो रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल ना भूले। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फोन का रिव्यू अनबॉक्सिंग लेकर। तो अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्त यार को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।